जैसा कि हम सबको पता है ना दीपावली आने वाली है दीपावली के इसी शुभ अवसर पर गवर्नमेंट की तरफ से एक नया तोहफा आपको मिलने वाली तोहफा है क्या कि आप सभी को गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलने वाली तो मेरे प्यारे मित्र आप कैसे गैस सिलेंडर पा सकते हो भी बिल्कुल मुफ्त में इस वीडियो में आपको कम्प्लीट बताने वाला वालों की कैसे आपको आवेदन करना है कैसे अपना गैस सिलेंडर बुक करना है और कैसे आपको जो गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा कैसे पाने में मैं कम्प्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना होगा क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे नहीं शायद आपको अच्छी तरह जानकारी नहीं मिल पाएगी इसलिए मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा तो चलिए दोस्त देर के वीडियो को शुरू करते हैं मेरे प्यारे मित्र मैं आपको बता दू जैसा कि हम सब जानते हैं ना दीपाली आने वाली है इसी खुशी के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट की तरफ से आपको गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है गैस सिलेंडर फ्री का मतलब है कि आपको गैस का जो रिफिल है यानी जो गैस आप भरवाते हैं वो आपको फ्री में मिल रहा है तो आप इसका कैसे आवेदन करिए मैं कंप्लीट प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताने वाला तो सबसे पहले चलते हैं पेपर में जो पेपर में दिया था उसका कटिंग हम आपको पढ़ के सुनाते हैं उसके बाद आपको मैं तरीका बताऊंगा किस तरह से आप बुक कर सकते हैं तो देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से हाईलाइट हो रहा है पहला है दीपावली पर उज्जवला योजना के वन करोड़ लाभार्थी को मिलेगा मुफ्त सिलेंडर मेरे प्यार मित्र मुफ्त सिलेंडर का मतलब है कि जो गैस आपको मिलेगा वही मुफ्त मिलेगा यहाँ पे थे वित्त मंत्री लाभार्थी से बैंक खाता आधार लिंक कराने की अपील की है इसका मतलब यहाँ पे बताया रहा है कि जो लाभार्थी यानी जिनका गैस सिलेंडर है जिनके नाम से उनका बैंक में आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है तभी आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे तो चलिए कंप्लीट इसमें है क्या क्या, क्या कैसे करना में कंप्लीट आपको बता है। तो हूँ लिखा है प्रदेश में दीपावली पर उज्जला योजना के एक करोड़ पचहत्तर लाख चार हजार तीन सौ पचासी लाभार्थियों को मुफ्त रसोई सिलेंडर दिया जाएगा योगी के कैबिनेट की मंगलवार को आयोजित बैठक में मुफ्त सिलेंडर देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उज्जवला योजना के लाभार्थी को होली और दीपावली पर एक सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया गया था उन्होंने बताया कि लाभार्थी को पहले प्रचलित उपभोक्ता दर से चौदह पॉइंट दो किलो का सिलेंडर रिफिल कराना होगा उसके पाँच दिन बाद सिलेंडर की राशि उपभोक्ता के आधार प्रमाणित बैंक खाते में आयल कंपनी की ओर से हस्तांतरित की जाएगी यह सुविधा केवल उज्जला योजना के तहत कनेक्शन पर मिलेगी यानी अगर आप उज्जला योजना के तहत कनेक्शन लिया है तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा प्रदेश सरकार पर इसमें तेईस सौ बारह करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा उन्होंने बताया कि दीपावली पर पौने दो करोड़ परिवारों को मुफ्त सिलेंडर मिलने से उन्हें त्यौहार में राहत मिली तो इसको कैसे बुक करना है मैं आपको पहले यहाँ पर समझा देता हूँ मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन बुक कर दिए तो आपको फ्री गैस मिल जाएगा ऐसा नहीं है क्या करनी है आपको सबसे पहले आपको जाना है क्या रिफ़िल करना है रिफ़िल करने के लिए यानी रिफ़िल का मतलब है कि आपको अपना गैस सिलेंडर बुक करना है जो चौदह पॉइंट टू किलो क्या करनी है आपको भरवानी है यही आता होगा समथिंग जो गैस सिलेंडर में आपका गैस आता है ये सबसे पहले आपको भरवानी है और आपको वहाँ पर अपनी एजेंसी पर पैसा पे करना है पैसा पे करने के बाद क्या होगा कि एक हफ्ते के अंदर आपका जिस बैंक में आधार कार्ड लिंक होगा जितना पैसा वहाँ पे आप दे रहेंगे वो आपके खाते में पुनः वापस आ जाएगा तो आप समझ गए ना सबसे पहले आपको करना क्या है जाना है आपको अपना गैस सिलेंडर भरवाना है अगर यूजरा योजना के तहत आपके कनेक्शन है और वहाँ पे पैसा पे कर देना है जो आपका गैस का दाम होगा यानी जो भी आपका रेट होगा अपने हिसाब से क्या करेंगे आप पे कर देंगे पे करने के बाद आपका एक हफ्ते के अंदर आपका जिस बैंक में आधार कार्ड लिंक होगा का, उतना पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा इसका मतलब समझे कि आपका मुफ्त में मिल गया लेकिन सबसे पहले आपको पैसा उसका पे करना पड़ेगा तो चलिए मैं आपको कुछ तरीका बता देता हूँ कि आप ऑनलाइन गैस कैसे बुक कर सकते हैं तो मेरे प्यारे मित्र अगर आपका जो गैस है इंडियन गैस का है तो आपको कैसे बुक करना है मैं आपको बता देता हूँ अगर आप गूगल में सर्च करना चाहते हैं तो बुक कैसे कर करना है तो आपको ऐसे लिखना है लिखना है सिलेंडर रिफिल कैसे करें ऑनलाइन तो कुछ इस तरह से लिखेंगे तो आप सब कुछ इस तरह से सोच क्या करेंगे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नीचे आएंगे अगर आप ऑनड्रॉइड मॉल चलाते हैं और आपके पास पे है तो यहाँ देख सकते हैं पहला स्टेप क्या है पे एप्लीकेशन खोलेंगे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट पे आप आएंगे उसके बाद एक ऑप्शन आएगा आप बुक गैस सिलेंडर उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे पुनः ऑप्शन आया आप बुक गैस सिलेंडर उस पर क्लिक करेंगे और गैस सप्लायर चुनेंगे जो भी आपका सप्लायर हो उस पर क्या आपको आपके बाद करिए छठवाएं आप जो एल पी जी आई है मोबाइल नंबर वहाँ पे टाइप करेंगे वह प्रोसीडर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कैश है वहाँ पे बुक हो जाएगी लेकिन मेरे दोस्त अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है और अगर है भी तो अगर पेटीएम आप नहीं चलाते हैं तो अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं क्या करेंगे है? अपने व्हाट्सअप ओपन करेंगे और आपको लिख देना है रिपिल रिपिल लिखने के बाद क्या करनी है आपको इस वाले नंबर पर क्या करनी है व्हाट्सअप कर देनी तो सबसे पहले आपको करना क्या है ये नंबर जो है आपको व्हाट्सअप में सेव कर लेनी है सेव करने के बाद आपको नीचे लिखना है रिपिल दन क्या करनी है आपको कमेंट कर देनी कमेंट का मतलब है आपको सेंड कर देनी है मैसेज तो आपका आपका जो गैस है बुक हो जाएगा लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँगा ना ही आपके पास कोई व्हाट्सअप है ना ही कोई अंडर मोबाइल चलाते हैं अगर आपके पास की पैड मोबाइल है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते दे सकते हैं अपने नंबर उसको कराएं डबल सेवन वन एट नाइन फाइव और फोर्थ टाइम क्या है फाइव ये डायल करेंगे आपको इस पर कॉल करने के बाद जो भी वहाँ से आपसे पूछा जाएगा अपना एल पी जो भी पूछा जाएगा वो अपना बता देंगे बताने के बाद आपका जो है गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा अगर आप कॉल के माध्यम से बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर सर नीचे ऑप्शन शो करें पहला एट फोर फाइव फोर नाइन फाइव और फोर टाइम फाइव है इसमें मिसकॉल करेंगे तो आपका यहाँ पर जो बुक हो जाएगा गैस सिलेंडर लेकिन अगर आपका इंडियन का है तो इसे आप बुक कर सकते हैं लेकिन प्यारे मित्र अगर आपका एच पी गैस सिलेंडर है तो कैसे बुक करेंगे मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ क्या करेंगे आप आएंगे गूगल में सर्च करेंगे सर्च करने के बाद आपको करना क्या आप यहाँ पे पहले लिखा है एचपीए के ग्राहक नंबर यहाँ पे दिखते लिखा है नाइन टू ट्रिपल टू जीरो डबल वन डबल टू को क्या करेंगे सेव करेंगे सेव करने के बाद व्हाट्सअप पे आकर क्या करेंगे सेवे नंबर को खोलेंगे क्या कहीं अपना व्हाट्सअप नंबर खोलेंगे वहाँ पे हाई लिखेंगे आप जैसे लिखेंगे तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन का आपको आंसर देना आंसर देने के बाद आपको जो एचपी गैस सिलेंडर बुक हो जाएगी तो मेरे प्यार प्यारित इंडियन और एचपी का तो आप जानेंगे भारत का कैसे बुक करेंगे मैं आपको तरीका बता देता हूँ अगर आपको अपना भारत गैस बुक करना है तो क्या करेंगे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं डबल सेवन वन फाइव जीरो वन टू थ्री फोर फाइव पे कॉल कर सकते हैं अगर इस पे नहीं लगता तो दूसरा नंबर है डबल सेवन वन एट जीरो फोर फाइव इस पर कॉल करने के बाद आप अपना जो गैस है बुक कर सकते हैं बुक करने के बाद आपके नियर बाई जो गैस की एजेंसी होगी वहाँ से आप जाके रिफ़िल करवा सकते रिफ़िल का मतलब है कि अपना गैस भरवा सकते हैं तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसकी प्रक्रिया है क्या सबसे पहले आपको करना है क्या है कि अगर बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपको जाना है अपने बैंक में वहाँ पर अपने आधार कार्ड लिंक करवा लेनी है लिंक करवाने के बाद क्या करनी है अपना सबसे पहले आपको अपना गैस बुक करना है जिस भी कंपनी का जैसे आपका इंडियन हो गया भारत हो गया एस बी हो गया जो भी हो क्या करेंगे मैं जिस तरह से बताऊँ उस पर उस तरह से आप बुक कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं बुक कर पाने तो कि जो पासबुक होगी ना उसमें पीछे एक नंबर लिखा होगा उसके माध्यम से भी आप अपना गैस बुक कर सकते हैं बुक करने के बाद क्या करेंगे आपको सबसे पहले जाना है अपने एजेंसी पे वहाँ पे जो गैस का दाम है वो आपको पेमेंट कर देने पेमेंट करने के बाद आप जितना वहाँ पे पेमेंट करेंगे वो, वो पैसा आपके अकाउंट में पुनः वापस आ जाएगा लेकिन वो आप वापस तभी आएगा जब आपका बैंक में आधार कार्ड लिंक होगा और आपकी अगर उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन होगा तभी आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे तो मेरे प्यारे मित्र यही जानकारी आपको देने थी कि दीपावली के शुभ अवसर पर जो गैस मिल है कैसे आप बुक करेंगे मैं कंप्लीट प्रक्रिया आपको बता दिया तो हमें यहाँ से हमने आपको जो भी जानकारी दी शायद अच्छी लगी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही अच्छा को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेलाइकन जरूर ताकि जैसे मैं कुछ ज्वाइन कर रहा हूँ आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुंच जाए अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको कुछ कंफ्यूजन सवाल रह गया तो क्या है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताने में पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दे सको आपकी जो भी समस्या है उसका निदान कराने में आपको पूरा सहायता कर पाऊँ तो चलिए दोस्त मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ तब तक लिवंद मातरम जय हिंद